हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लायबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज एंड ड्राइंग क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में। इसके पहले हम लोग जो बेसिक टर्म्स थी लाइक एसेट्स, टाइप ऑफ एसेट्स लाइक टेंजिबल, फिक्स एसेट, ये सब सारी चीजें हम लोग आई थिंक आप लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। चलिए हम लोग अब बात करते हैं लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटीज का हिंदी होता है दायित्व या फिर कर्ज, ठीक है, जो कि बोरोड अमाउंट होता है, जो दूसरे किसी से लिया हुआ अमाउंट होता है, ठीक। चलिए इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। लायबिलिटीज रिफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, मतलब कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जैसे दूसरे किसी के पैसे आपके बिजनेस में है ना। दिस डिनोट्स द अमाउंट विच अ बिजनेस ओन्स टू अदर, वही बात है, ठीक ना। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि लोन फ्रॉम बैंक या फिर अदर पर्सन, आप किसी से लोन लेते हैं या फिर किसी बैंक से लोन लेते हैं, दैट इज अ लायबिलिटीज, उसे हम लोग लायबिलिटीज में काउंट करेंगे, है ना। क्रेडिटर्स मतलब होता है जो आपको पैसे देता है, ठीक है, देनदार हो गया। आपको गुड्स परचेज, यदि आप गुड्स परचेज करते हैं वो अभी क्रेडिट पे, जैसे क्रेडिट कार्ड होती है उस पे आप जाकर के अपने गुड्स को परचेज करते हैं, या फिर आजकल ईएमआई की भी ऑप्शन आ गई है, दैट इज अ लायबिलिटीज। ईएमआई एक क्या है, ये लायबिलिटीज हो जाएगी। बिल्स पेएबल, जो बिल्स पे करने वाले हैं, अभी आने वाले समय में हो सकता है कि बिल्स पे करेंगे, यहाँ पे बिल्स पेड नहीं होगा, बिल्स पेएबल होगा, यानी कि जो आप पैसा भी पे करने वाले हैं अभी पे नहीं किए हैं, ठीक है। आउट एक्सटेंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि जैसे वही क्रेडिट कार्ड पे जो खर्चा है वो आप कर लेते हैं, डेट इज आउट एक्सटेंडिंग खर्च, ठीक है। उसके बाद से है बैंक ओवरड्राफ्ट, आई थिंक आप समझ रहे होंगे ये सब टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। चलिए हम बात कर लेते हैं अब शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज। दे आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेड इन वन फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि एक साल में ही उसे पेड कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एंड ऐसे लायबिलिटीज जो एक से अधिक साल में उसे पेड करते हैं उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसे कि एग्जाम्पल में मॉर्गेज का होता है हिंदी, जैसे गिरवी रखना मॉर्गेज लायबिलिटीज, ठीक ना। जैसे आप सोना चांदी जैसे जाते हैं और उसको गिरवी रखते हैं और उस पर पैसे आप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज लायबिलिटी, ठीक ना। लीज पेमेंट हो गया, जैसे कि आप पैसे किसी से लीज पे जमीन लेते हैं या फिर लीज पे रूम लेते हैं, दैट इज अ लीज पेमेंट। एंड इंटरेस्ट इफ पेबल ऑन मैच्योरिटी, जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट कर दिए, ठीक ना, नहीं तो यहाँ पे तो अपना नहीं, जो बैंक आपको देती है जैसे लोन 5 साल के लिए, डेट इज अ लायबिलिटीज कहलाएगी, ठीक ना, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाएगी, फिक्स डिपॉजिट नहीं, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म की, यहाँ पे है इंटरेस्ट पेबल, इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में वन फाइनेंशियल ईयर, जो भी इंटरेस्ट आप लेते हैं वन फाइनेंशियल ईयर या फिर उसके अंदर आप यदि पे कर देते हैं, डेट इज शॉर्ट टर्म। जैसे आप छोटे छोटे ऐप पर जाते होंगे, जैसे नवी ऐप हो गया, चाहे और भी जैसे धनी ऐप हो गए, इस सब पे तो आपको 3 महीने या फिर 6 महीने की जो है कि आपको क्रेडिट मिलती है कि आप उसको यूज कर ले और उसको 6 महीने के अंदर ही पेमेंट करनी होती है, तो वो कौन सी होगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होगी, ठीक है। और इसे वन फाइनेंशियल ईयर में आपको पेड करना था। वन फाइनेंशियल ईयर का मतलब हुआ कि 1 अप्रैल से लेकर के, ठीक ना, 31 मार्च तक, नहीं समझे, 1 अप्रैल यानी कि लास्ट ईयर, जैसे 2021 में 1 अप्रैल, ठीक ना, और नेक्स्ट ईयर यानी 2022 में मार्च में 31 मार्च को, ठीक ना, ये वन फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं बिल्स पेबल। बिल्स आप लोग जानते ही हैं कि हर एक महीने पे आता है बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ठीक ना, और टेलीफोन बिल्स, ये तो ये भी तो जो शॉर्ट टर्म्स लायबिलिटीज के ही अंदर काउंट होंगे क्योंकि 30 दिन में उसे पे करना होता है, ठीक है। अगला है इनकम टैक्स पेबल, यानी कि जैसे आप इनकम टैक्स जो है हर साल ITR वगैरह भरते होंगे तो हो सकता है कि आप एक साल में भरते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग अगला आप जब बात कर लेते हैं ड्रॉइंग क्या होता है। ड्रॉइंग का हिंदी होता है आहरण, ड्रॉइंग आहरण, मतलब कि आप जो आपके पास कैपिटल है, कैपिटल में से आप पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसे निकालते हैं या फिर कोई गुड्स निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग, ठीक ना। आइए हम लोग इसे एक बार एग्जांपल लिख लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉल फ्रॉम द बिजनेस बाय अ प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, बात एक ही है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं कि विड्रॉल मोबाइल फ्रॉम शॉप, जैसे एक बंदा है, ठीक ना, क्या करता है कि मोबाइल अपने शॉप से निकाल लेता है, ठीक ना, जाता है और अपने शॉप से निकाल लेता है मोबाइल। भाई निकाल लिया तो उसके पर्सनल यूज के लिए ना, वो तो बेचने के लिए लाया था,
लेकिन यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए हो जाएगी, तो यहाँ पे जब पर्सनल यूज के लिए हो जाएगी तो वो ड्रॉइंग कहलाएगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। कैपिटल, जैसे कैपिटल है, कैपिटल यानी 5 लाख रुपए है। ठीक है, उसमें से आपने उसमें से कैश 10,000 निकाल लिया और गुड्स जैसे एक मोबाइल आपने निकाल लिया 20,000 रुपए की, तो आपने ड्रॉइंग यानी कि ड्रॉइंग आपने कितना किया, तो 30,000 रुपए हो गया। यहाँ पे 30,000 रुपए आपने ड्रॉइंग कर दिया, उसमें से निकाल लिया। ठीक, और वो आपको कैपिटल जो है, कैपिटल से आप पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए तो लॉस कहलाती है। ठीक, तो नेट कैपिटल आपकी 4,17,000 हो जाएगी ना, क्योंकि आपके इतना ही नहीं, यहाँ पे जो आप प्रॉफिट 30,000 रुपए की, तो प्रॉफिट भी मिलने वाली थी, बहुत सारी चीजें मिलने वाली थी, लेकिन आपने तो निकाल लिया तो पर्सनल लॉस कहलाएगी, है ना। तो नेट जो कैपिटल है उसमें से 4,17,000 रहेगी, जब 5 लाख रुपए था उसमें से आपने 30,000 रुपए निकाल लिया, 30,000 रुपए कुछ भी निकालिए आप, या तो आप कैश निकालिए, फिर आप मटेरियल निकालिए, या फिर अपना गुड्स निकालिए, ठीक है ना, या फिर मोबाइल शॉप में आप है तो मोबाइल निकालिए, तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉस या फिर ड्रॉइंग। ठीक ना, उसे तो आप कैपिटल के बिजनेस के अनुसार उसे लॉस कहा जाएगा, ठीक ना, और उसकी जो टर्म है उसे ड्रॉइंग कहा जाएगा, जो कि आपको टैली में यूज होगा। तो ये सभी टर्म्स को याद कर लें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डेटर यानी कि देनदार। अ पर्सन हु रिसीव्स बेनिफिट, यानी कि कोई बंदा है बेनिफिट से रिसीव करता है, ठीक, विदाउट गिविंग मनी, यानी कि पैसे नहीं देता, यानी कि उधार देता है, ठीक, एंड लायबल टू पे इन फ्यूचर, यानी कि बाद में आने वाले फ्यूचर में वो दायित्व उसकी है कि वो बाद में पे करे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, किसी टाइम पीरियड में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटर, इसे हम लोग डेटर कहते हैं, ठीक ना, देनदार, उसे हिंदी में देनदार कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल साथ हम लोग समझते हैं। जैसे मिस्टर ए है जो है कस्टमर है, मिस्टर बी है वो है प्रोप्राइटर, ठीक, यहाँ पे मिस्टर ए जाता है मिस्टर बी के पास और वहां से 10,000 रुपए का फोन परचेज करता है, ठीक, वो भी उधार यानी कि पैसे नहीं देता है, तो मिस्टर ए जो है कहलाएगा डेटर, यानी कि विल गिव कैश टू मिस्टर बी, यानी कि बाद में जो मिस्टर ए है मिस्टर बी को पैसे देगा, दैट इज कॉल्ड डेटर। ठीक, अगला हम बात करते हैं क्रेडिटर यानी कि लेनदार। तो यहाँ पे जो है ये तो देगा, ये भाई लेगा कि नहीं, यानी कि जिसकी सामान जो सामान दे रहा है एंड वो फ्यूचर में उसके पास क्लेम करने की एक राइट होगी कि ये सामान मेरी है यदि पैसे नहीं देता है तो। ठीक, चलिए हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अ पर्सन हु गिव्स बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी, यानी कि बिना पैसे लिए उसको बेनिफिट देता है इमीडिएटली, ठीक, तुरंत, बट टू क्लेम इन फ्यूचर, ठीक, बाद में वो उसे क्लेम कर सकता है, ठीक, इट्स कॉल्ड क्रेडिटर, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं लेनदार। अगला है टर्म हमारा परचेज। परचेज मतलब क्या होता है? परचेज रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर सेल, यानी कि कोई सामान या फिर फॉर पर्सनल यूज, ठीक, यूज लिखिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। परचेज का मतलब हुआ कि कोई बंदा है जो सामान खरीदता है, ठीक, फॉर बिजनेस या फिर पर्सनल यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड परचेज, ठीक है। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, ठीक, चलिए इसे हम समझ लेते हैं। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी, ठीक है, यानी कि क्वालिटी में थोड़ी सी डिफेक्टिव आ गई, जो कि सप्लायर, यहाँ पे एक चीज आपको रखना है सप्लायर, ठीक है, परचेज रिटर्न कहलाएगी, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल। सेल्स आर रिफंड टू द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड डेट आर ऑलरेडी बॉट, जो ऑलरेडी खरीदा गया है और उसे बेचा जाएगा, डेट इज कॉल्ड सेल, फॉर मैन्युफैक्चर बाय द बिजनेस, ठीक है, ठीक। अगला हम लोग बात करते हैं सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, ठीक। When goods are returned from customer due to defective quality, यानी कि यहाँ पे कस्टमर के थ्रू, क्या चीज, कस्टमर के थ्रू किसी आपकी आपने प्रोडक्ट को बेचा है उसमें कुछ डिफेक्टिव आ गया जिसकी वजह से जो कस्टमर है आपको रिटर्न कर दिया, दैट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। और परचेज रिटर्न क्या होता है? जब सप्लायर जो है, आप जो है जैसे आप एक बिजनेसमैन है और आप सप्लायर को कोई डिफेक्टिव क्वांटिटी की वजह से आप उसे रिटर्न करते हैं, That is called purchase return. I think आपको ये सब सारी चीजें समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं वो भी टैली पढ़ सके विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, अगले यही बेसिक टर्म्स को लेकर के इसी को आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो चलिए, थैंक यू।